गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इंडिगो में देख रहे थे कि गांधी जी दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं और वहीं पर शुक्ला उनसे मिलता है और उनको रिक्वेस्ट करता है चंपारण आने के लिए। राजकुमार शुक्ला वाजे पुअर एंड इलिटरेट इंडिगो शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण। अब वहां पर गांधी जी टाल मटोल की नीति अपनाने लगते हैं। गांधी कहते हैं कि ही हैड ए बिजी शेड्यूल एंड ही हैड टू गो टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, कि उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में जाना है, लेकिन शुक्ला उनके पीछे पड़ जाते हैं। गांधी जी लखनऊ से कानपुर जाते हैं, शुक्ला पीछे से कानपुर भी पहुंच जाते हैं, जाकर के वो पीछे से खड़े हो जाते हैं। देन आफ्टर गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। इसके बाद गांधी जी अपने आश्रम में साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है वहां पर जो है वो पहुंच जाते हैं सेवाग्राम में। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला भी पीछे से आश्रम तक पहुंच जाता है। सप्ताहों बीत जाते हैं बट शुक्ला डिड नॉट लीव गांधी साइड, लेकिन शुक्ला गांधी जी का साथ नहीं छोड़ता है। आश्रम में शुक्ला ने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि फिक्स द डेट फाइनल कीजिए, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। लुईस फिशर लिखते हैं आगे, इंप्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर टेनेसिटी एंड हिज स्टोरी गांधी वाज इंप्रेस्ड एंड टोल्ड दैट आई हैड टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट, कम देयर एंड टुक मी फ्रॉम देयर। गांधी जी कहते हैं उस गरीब किसान की दर्द भरी कहानी और उसके आग्रह से गांधी जी प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि मुझे अमुक अमुक तारीख को कलकत्ता आनी है, तुम वहां पर आना और वहीं से मैं तेरे साथ जो है वो चंपारण चलूंगा। ऐसा नहीं कि शुक्ला जो है वो वहीं पर उनको जो है वो छोड़ देता है, सीधे पहुंच जाते हैं शुक्ला जो है वो कलकत्ता। मंथ्स पास, महीनों बीत जाते हैं, तब गांधी जी कलकत्ता पहुंचते हैं और वे क्या पाते हैं कि शुक्ला वाज वेटिंग फॉर हिम ऑन इट्स फाउंटेन। शुक्ला जो है ऑन द अपॉइंटेड स्पॉट जहां पर गांधी जी कहे थे, शुक्ला उसी अपॉइंटेड स्पॉट पर पालथी मार करके बैठा हुआ था। ऐसा नहीं कि गांधी जी गए और उन पर शुक्ला हावी हो गया कि मैं एक महीने से वेट कर रहा था, अभी काम भी चलिए। ही वेटेड टिल गांधी फिनिश्ड हिज वर्क, शुक्ला तब तक इंतजार करते हैं जब तक गांधी जी अपने कामों से फ्री नहीं हो गए। देन बोथ ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन टू द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। इसके बाद शुक्ला और गांधी जी दोनों कलकत्ता से ट्रेन पर सवार होकर के वहां से चलते हैं पटना के लिए। अब यहां देखिए पटना तक पहुंच गए हैं गांधी जी। अब पटना में शुक्ला जो है गांधी जी को ही टूक गांधी टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस। शुक्ला गांधी जी को पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो लेटर ऑन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वही राजेंद्र प्रसाद के घर जो समय पटना के सबसे फेमस जो है वो लॉयर थे, उनके घर ले जाता है। अब उस दिन की घटना देखें हम लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शहर में नहीं थे। अब वहां पर राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे दे डिड नॉट नो गांधी, वे गांधी को जानते नहीं थे, बट दे न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन,
लेकिन शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में वे पहचानते थे, who pestered their master for the help of indigo stair cropper. जो राजेंद्र प्रसाद के नौकर थे वो शुक्ला को एक गरीब किसान के रूप में जानते थे कि यह हमेशा उनके मालिक को गरीबों की मदद के लिए इंडिगो शेयर क्रॉपर के मदद के लिए एक परेशान करते रहता है. सो दे अलाउ गांधी टू लिव इन सर्वेंट क्वार्टर्स अलोंग विद शुक्ला. इसलिए वे गांधी जी को शुक्ला के साथ जो सर्वेंट के क्वार्टर बने हुए थे उसमें रहने की इजाजत दे दी जाती. अब वहां पर एक और घटना होती है. शुक्ला का मतलब कंफर्म था कि वो पंडित जी थे. द सर्वेंट डिड नॉट नो द कास्ट ऑफ गांधी. वे गांधी की जाति जानते नहीं थे. दे थॉट दैट इफ गांधी वुड बी एन अनटचेबल देन सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट वुड पॉल्यूट द इंटायर सोर्स. सो दे प्रिवेंटेड गांधी टू फेच वाटर फ्रॉम द वेल ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साउस. अब वहां पर एक घटना होती है. अब वो शुक्ला कंफर्म थे वो पंडित जी थे, इसलिए उनको तो इजाजत दे दी गई कि वे कुएं से पानी निकाल सकते हैं. लेकिन नौकर गांधी जी की जाति जानते नहीं थे. उनको क्या लगा कि अगर शुक्ला सॉरी अगर गांधी अनटचेबल हुए, अगर गांधी अछूत जाति के हुए, तो जब कुआं से वो पानी निकालेंगे तो बाल्टी से टकराकर कुछ बूंद जब कुएं में गिर जाएगी तो पूरा कुआं अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा. यू कैन इमेजिन कि कितनी कास्ट सिस्टम थी उस जमाने में. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे पढ़े लिखे लॉयर के घर गांधी जी को उनके कुएं से पानी निकालने से रोक दिया गया इस आधार पर कि वे उनकी जाति नहीं जानते थे. तो भारत के सामान्य गांवों की स्थिति क्या रही होगी. अब यहां तक से हम लोग देखें कौन कौन सा जो है हम लोग क्वेश्चन जो है वो पढ़ चुके हैं. अभी तक गांधी जी पटना पहुंचे हैं. अब यहां पर हम लोग पहला क्वेश्चन देखें जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हेन डिड गांधी अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फर्स्ट टाइम इन इंडिया. गांधी जी अंग्रेजों से पहली बार भारत छोड़ने के लिए कब कहे, फ्रॉम वेयर और कहां से. तो गांधी अर्ज द डिपार्चर मतलब टू ऑर्डर द ब्रिटिशर्स टू क्विट इंडिया, अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए. तो गांधी अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 1917 व्हेन ही वेंट चंपारण टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर ऑन द प्ली मीन्स रिक्वेस्ट ऑन द प्ली ऑफ राजकुमार शुक्ला. अब सेकंड नंबर जो है क्वेश्चन कि व्हाई हैड गांधी गोन टू लखनऊ इन दिसंबर 1916, हु मेट हिम देयर एंड व्हाई. गांधी जी दिसंबर 1916 में लखनऊ क्यों गए थे, वहां उनसे कौन मिला और क्यों मिला. तो गांधी है गोन टू लखनऊ इन दिसंबर 1916 टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल कॉन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी. गांधी जी दिसंबर 1916 में लखनऊ गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए. वहां उनसे कौन मिला, राजकुमार शुक्ला मेट विथ हिम देयर. वहां उनसे राजकुमार शुक्ला मिलते हैं. क्यों, टू इनवाइट गांधी टू चंपारण.
गांधी जी को चंपारण बुलाने के लिए। अब यहां पर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन थे एंड व्हाई हैड ही गोन टू लखनऊ, और वे लखनऊ क्यों गए थे। वो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने नहीं गए थे, वो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। तो राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर एंड इलिटरेट इंडिगो शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण। राजकुमार शुक्ला चंपारण के एक गरीब और अशिक्षित नील की खेती करने वाले किसानों में से एक थे। ही हैड गोन टू लखनऊ टू मीट विथ गांधी एंड टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉक सिस्टम इन बिहार। वे लखनऊ गए थे गांधी से मिलकर और एक कंप्लेन करने के लिए अबाउट द इनजस्टिस, अन्याय जो लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रही थी बिहार में, अंग्रेज जो जिस तरह से सता रहे थे वहां के किसानों को, उसके विरुद्ध शिकायत करने के लिए। अब यहां पर फोर नंबर जो क्वेश्चन होगा कि वाई राजकुमार शुक्ला, वाई राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीन रिजोलूट, राजकुमार शुक्ला को दृढ़ निश्चय, रिजोलूट दृढ़ निश्चय क्यों कहा गया। तो यहां से हम लोग देखें कि फेन राजकुमार शुक्ला कंप्लेन एंड इनवाइटेड गांधी टू चंपारण टू सी द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। गांधी टोल्ड हिम दैट ही हैड ए बिजी शेड्यूल एंड ही हैड टू गो टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेशन, बट शुक्ला डिड नॉट लीव गांधी साइड अंटिल ही फिक्स्ड ए डेट। इन ब्रीफ, राजकुमार शुक्ला कंपेल्ड गांधी टू विजिट चंपारण, दैट्स व्हाई राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं चंपारण आने के लिए और उस इनजस्टिस को देखने के लिए, तो गांधी जी ने यह कहकर कि उनका एक बिजी शेड्यूल है, डिफरेंट पार्ट में जाना है, वो टालने की जो है कोशिश करते हैं, लेकिन शुक्ला तब तक गांधी जी का साथ नहीं छोड़ते जब तक गांधी जी डेट फाइनल नहीं करते। तो अगर संक्षेप में कहें तो राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए विवश कर दिया, इसलिए राजकुमार शुक्ला को रिजोलू दृढ़ निश्चय कहा गया। अब यहां पर फाइव नंबर क्वेश्चन देखें, व्हाई डिड द सर्वेंट्स थाउट गांधी टू बी, व्हाई डिड द सर्वेंट थिंक गांधी टू बी, थिंक गांधी टू बी अनदर पिजेंट। नौकरों ने गांधी जी को दूसरा किसान क्यों मान लिया। तो हम लोग देखें अभी कि वेन शुक्ला टुक गांधी टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस इन पटना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शहर में नहीं थे। हिज सर्वेंट डिड नॉट नो गांधी, उनके जो नौकर थे वो गांधी को नहीं जानते थे। बट दे न्यू शुक्ला एज ए पुअर पिजन, लेकिन शुक्ला को वे एक गरीब किसान के रूप में जानते थे। तो सिंस गांधी वेंट देयर इन द कंपेनियन ऑफ ए पीजेंट, दैट्स व्हाई सर्वेंट थाउट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। चूंकि गांधी वहां एक किसान के साथ गए थे, इसलिए नौकरों ने उनको भी दूसरा किसान मान लिया। गांधी जी की वेशभूषा भी वैसी ही थी, अर्धनग्न फकीर, आधा पहनते थे आधा ओढ़ते थे। वही अगर दूसरे लीडर होते जवाहरलाल नेहरू तो कभी भी भूल करके जो है नौकर उनको किसान नहीं मानते। गांधी जी उस समय इंडिया में पॉपुलर नहीं हुए थे, अगर राजेंद्र प्रसाद होते तो वे उनको आइडेंटिफाई कर सकते थे, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में उस समय तक गांधी जी बहुत ही पॉपुलर हो चुके थे। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई गांधी वाज
नॉट परमिटेड टू फेच वाटर फ्रॉम द वेल ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस इन पटना। गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर के कुएं से पानी निकालने से क्यों रोक दिया गया? तो अभी हम लोग देखें कि द सर्वेंट्स डिड नॉट नो द कास्ट ऑफ गांधी, नौकर गांधी की जाति नहीं जानते थे। दे थॉट दैट इफ गांधी वुड बी एन अनटचेबल, वो क्या सोचे कि अगर गांधी जी अछूत जाति के हुए, देन सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम हिज बकेट वुड पॉल्यूट द इंटायर सोर्स। तो बाल्टी से टकराकर जब पानी की बूंद कुएं में जाएगी तो पूरा कुआं जो है अपवित्र हो जाएगा, अछूत हो जाएगा। दैट्स वाई गांधी वाज प्रिवेंटेड और नॉट अलाउड टू फेच वाटर फ्रॉम द वेल ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस इन पटना। अब गांधी जी पटना तक जो है वो पहुंच चुके हैं। अब आगे यहां से देखिए हम लोग आगे की घटना। गांधी जी पटना से ही टेलीग्राम कर दिए थे जेबी कृपलानी को। गांधी डिसाइडेड फर्स्ट टू गो टू मुजफ्फरपुर, विच वाज इन रूट टू चंपारण टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, विच शुक्ला वाज अनेबल टू गिव हिम। गांधी जी पटना से मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लेते हैं दो रीजन से। पहला तो अगर हम पटना से चंपारण जाएं तो मुजफ्फरपुर रूट में पड़ती है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है बात थी कि उस समय के मैक्सिमम जो लॉयर थे वो मुजफ्फरपुर में रह रहे थे उस एरिया के, तो गांधी जी उनसे अधिक जानकारी लेना चाहते थे, क्योंकि गांधी जी को शुक्ला रो करके अपनी दर्द भरी कहानी सुना सकता था, लेकिन किस नियम और कानून के आधार पर अंग्रेज उनको टॉर्चर कर रहे हैं, एक्सप्लाइटेशन कर रहे हैं, शोषण, ये शुक्ला बताने में पूरी तरह असमर्थ था क्योंकि वह अशिक्षित था। इसलिए गांधी जी पटना से कहां जाने का निर्णय लिए? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिए। ओ जेबी कृपलानी जो कि मुजफ्फरपुर आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनको गांधी जी ने टेलीग्राम कर दिया अपने आगमन के बारे में। जेबी कृपलानी से गांधी जी की एकमात्र मुलाकात हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन आश्रम में। केवल एक बार उनकी मुलाकात हुई थी। सोचिए पहले के लोग एक बार की मुलाकात को भी कितनी अहमियत देते थे। जैसे ही ट्रेन पहुंचती है मुजफ्फरपुर, जेबी कृपलानी वाज वेटिंग फॉर गांधी एट मिडनाइट एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन विथ ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। अर्धरात्रि के समय जेबी कृपलानी छात्रों का एक विशाल समुदाय लेकर गांधी जी के स्वागत में मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर खड़े थे। तो गांधी जी का मुजफ्फरपुर में वेट कौन कर रहा था? वेट कर रहे थे जेबी कृपलानी। मुजफ्फरपुर में गांधी जी पहुंचते हैं 15 अप्रैल 1917 की मिडनाइट अर्धरात्रि में। गांधी जी की ट्रेन जब पहुंचती है मुजफ्फरपुर तो जेबी कृपलानी छात्रों का एक विशाल समुदाय लेकर गांधी जी के स्वागत में खड़े थे। लेकिन यहां पर गांधी जी जेबी कृपलानी के घर न ठहर कर स्टेड टू डेज इन द हाउस ऑफ प्रोफेसर मलकानी। लेकिन गांधी जी वेट कौन कर रहे थे? जेबी कृपलानी। लेकिन गांधी जी दो दिन तक वहां पर ठहरते हैं प्रोफेसर मलकानी के घर। प्रोफेसर मलकानी वाज ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। प्रोफेसर मलकानी एक गवर्नमेंट स्कूल में मुजफ्फरपुर में टीचर थे।
अब यहां पर प्रश्न उठता है कि गांधी जी का वेट कर रहे थे जैविक रिप्लानिंग, लेकिन गांधी जी ने प्रोफेसर मलकानी के घर ठहरने का निर्णय लिया। तो उस समय जैविक रिप्लानिंग मुजफ्फरपुर में एक नोन फिगर थे, सब कोई उनको जानता था, चर्चित थे, जबकि प्रोफेसर मलकानी उतने चर्चित नहीं थे। अगर वो जैविक रिप्लानिंग के घर ठहरते तो ब्रिटिश प्रशासन की नजरों में वो तुरंत आ जाते, इसलिए गांधी जी ने निर्णय लिया प्रोफेसर मलकानी के घर ठहरने का। गांधी जी प्रोफेसर मलकानी की जबरदस्त प्रशंसा करते हैं और ये कहते हैं कि इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड इन दोज डेज इट वाज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग टू हार्बर ए मैन लाइक मी। गांधी जी कमेंट करते हैं बिकॉज इन अ स्मॉलर लोकलिटीज द एवरेज इंडियन वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी टुवर्ड्स द एडवोकेट ऑफ होम रूल। गांधी जी प्रोफेसर मलकानी की जबरदस्त प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उन दिनों यह एक साधारण बात नहीं थी कि कोई एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर मेरे जैसे स्वशासन के पक्षधर को अपने घर में शरण दे, क्योंकि स्मॉलर लोकलिटी जो छोटे जगहों पर जो औसत भारतीय होते थे वो होम रूल के सपोर्टर के प्रति सहानुभूति रखने से डरते थे, अंग्रेजों के डर से। अगर अंदर से इच्छा होती भी थी तो भी वे अपने घर में शरण देना नहीं चाहते थे। फिर भी प्रोफेसर मलकानी ने दो दिन तक गांधी जी को अपने घर में शरण दिया। एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बावजूद भी अगर अंग्रेजों को पता चल जाती कि प्रोफेसर मलकानी ने गांधी जी को शरण दी है और गांधी जी किस उद्देश्य से यहां पर आए हैं, तो सबसे पहले तो प्रोफेसर मलकानी की नौकरी जाती, उन पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलता और उनको फांसी की भी सजा हो सकती थी। इतना खतरा था, फिर भी प्रोफेसर मलकानी ने दो दिन तक गांधी जी को अपने घर में शरण दिया, इसलिए गांधी जी प्रोफेसर मलकानी की प्रशंसा करते हैं। तो अब यहां पर हम देखें जो टू डेज यहां पर ठहरे हाउस ऑफ प्रोफेसर मलकानी और मुजफ्फरपुर के बाद फाइनली गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। तो गांधी जी का रूट चार्ट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी है कि गांधी जी शुक्ला से मिलने के बाद चंपारण पहुंचने के क्रम में किन किन जगहों पर गए। तो सबसे पहले हम लोग देखें दिसंबर 1916 में लखनऊ में है गांधी जी, लखनऊ से कहां पर जाते हैं कानपुर, कानपुर के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद कलकत्ता, सीरियल चला है इसी तरह से, कलकत्ता के बाद पटना, पटना के बाद मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर के बाद फाइनली वो चंपारण पहुंचते हैं 18 अप्रैल 1917। अब यहां पर देखिए मिड नाइट अर्धरात्रि को पहुंचे, 15 अप्रैल 1917 की अर्धरात्रि 16 हो गया। अब यहां पर दो दिन ठहरते हैं, फाइनली वो चंपारण 18 अप्रैल 1917। शुक्ला का योगदान देखिए, किसी भक्त ने भगवान के लिए भी इतनी तपस्या नहीं की होगी जितना शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण लाने के लिए वो भगीरथ प्रयास किए हैं। दिसंबर 1916 से चले हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीना तक शुक्ला गांधी जी के साथ रहे, तब लेकर के उनको पहुंचते हैं चंपारण। अब हम लोग आगे की जो है वो क्वेश्चंस देखें, 7 नंबर क्वेश्चन जो होगा, हु वाज जेबी क्रिपलानी, हाउ डिड ही रिस्पॉन्ड गांधीज टेलीग्राम अनाउंसिंग हिज अराइवल एट मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अभी 2014 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है झारखंड बोर्ड में कि जेबी क्रिपलानी कौन थे और उन्होंने गांधी जी के टेलीग्राम को कैसे रिस्पॉन्ड किया,
तो जेबी कृपलानी वाले प्रोफेसर इन मुजफ्फरपुर आर्ट्स कॉलेज, जेबी कृपलानी मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे। फेन ही रिसीव गांधी टेलीग्राम, ही वाज वेटिंग फॉर हिम एट मिडनाइट विथ ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स एट मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन। जब उन्हें गांधी जी का टेलीग्राम मिला तो अर्धरात्रि के समय वे छात्रों का एक समूह लेकर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर अर्धरात्रि के समय गांधी जी के स्वागत में खड़े थे। क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा, व्हाई डिड गांधी प्रेज प्रोफेसर मलकानी, या अगर क्वेश्चन रहे और व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ एवरेज इंडियंस इन अ स्मॉलर लोकेलिटीज टुवार्ड्स द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। या अगर एक और तरीका कि व्हाई गांधी कमेंटेड इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज टू हार्बर ए मैन लाइक मी। तो ये तीनों का हम लोग एक ही तरीके से लिखेंगे कि इन अ स्मॉलर लोकेलिटीज द एवरेज इंडियन वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी टुवार्ड्स द एडवोकेट ऑफ होम रूल, बट प्रोफेसर मलकानी ए टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल हैड प्रोवाइडेड शेल्टर टू गांधी इन हिज होम फॉर 2 डेज, दैट्स व्हाई गांधी प्रेज द करेज ऑफ प्रोफेसर मलकानी एंड ही कमेंटेड दैट इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज टू हार्बर ए मैन लाइक हिम। गांधी जी अब चंपारण पहुंच चुके हैं, अब देखें आगे की घटना। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट एंड हिज मिशन ऑफ वर्क स्प्रेड क्विकली थ्रू द विलेजेस ऑफ मुजफ्फरपुर एंड चंपारण एंड शेयर क्रॉपर बिगेन अराइविंग थ्रू कन्वेंस। अब आगे की घटना हम लोग देखें कि जैसे ही यह न्यूज पहुंचती है गांधी जी के आगमन की, यह न्यूज चंपारण से लेकर मुजफ्फरपुर के गांवों में जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि कोई एक महात्मा है जो हम लोगों का कल्याण करने के लिए आया है। शेयर क्रॉपर कुछ तो सवारियों से, तो समय सवारी क्या थे, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी, और कुछ पैदल ऑन फुट अपने चैंपियन से मिलने के लिए वहां पर आना प्रारंभ कर देते हैं। अब आगे की घटना को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे गांधी जी स्वयं वहां पर जाकर के उलझ जाते हैं और किस तरीके से गांधी जी ने उस शोषण से वहां के किसानों को मुक्त कराते हैं। थैंक यू।